कौन था? तेरे पापा के लिए था, कोई पार्सल है, आज ही राजबाड़ी पहुंचाना है। अभी मैं बोल के आती हूँ। नहीं जाने दो माशमा, पापा को मत बोलो, मैं चली जाती हूँ। तुमने ये साड़ी कहाँ से ली? जी? ये तो हमारी साड़ी है। तभी मैं सोचूं कि एक साड़ी कम कैसे, चोर कहीं की? पिशिमा, इस लड़की की हिम्मत तो देखो, हमारी दुर्गा पूजा की साड़ी चुरा ली इसने। नहीं मालकिन, हमने चोरी नहीं की, हम चोर नहीं है, वो मेरे पापा आपके मिल में काम करते हैं। कौन है तुम्हारा पापा? प्रफुल्ल दत्त। बोल। उसी के तो हाथ में नया पार्सल भिजवाया था, मतलब इसी पे साफ कर दिया उसने अपना हाथ। मिल में तो बड़ा हरीशचंद्र बन के घूमता तुम्हारा पाप। साड़ियां भिजवाने से पहले तुमने खुद चेक की? देखी तो नहीं थी पिशमा, लेकिन के बाप के हाथ ही मैंने पार्सल यहाँ पे भिजवाया था। लेकिन तुमने चोरी नहीं की है, ये साड़ी मेरी माँ ने खरीदी है। बढ़िया ही, माँ ने खरीदी है वाली। तुम लोग इसके एक धागा खरीदने तक की औकात नहीं है। इसकी कीमत जानती हो तुम? सोने के तार जड़े हुए इसमें। और पिशमा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि गिरीश दादा ने अपने हाथों से ये डिजाइन चुना था। ये देखिए, इस पर राधा किशन की तस्वीर है। पिशमा, आपको तो पता है ना कि गिरीश दादा दुर्गा पूजा के लिए जो डिजाइन चुनते हैं उसकी सिर्फ एक ही साड़ी बनती है, ये भी किसी खास वजह से। अब गिरीश दादा ने ये साड़ी किसी और को पहने देख लिया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। लड़की को भुगतना पड़ेगा जो भी होगा, गिरीश दादा को आने दो। चल हट हट, साहब आ गए सब। ए जगह बंद कर। चोरी की है, सबूत सामने है, फिर भी कह रही चोरी नहीं की। मैं तो कह रही हूँ उसे पुलिस में दे दी, वो डंडे पड़ेंगे सब। विषय में बात क्या है? सोच के कितने हुए ना आप सारा दादा? आपके लिए अच्छा सा सरप्राइज है, आइए ना। हाँ, लेकिन वो क्या रखा है यहाँ पे? कुछ नहीं दादा, आप पहले ये खाइए। अच्छा भाई, दादा मैंने खुद ने बनाई। बहुत अच्छा, लेकिन वहां अंदर चलते हैं। कुछ नहीं दादा, वो दुर्गा पूजा की जो साड़ियां थी ना उनमें कुछ गड़बड़ है, पता नहीं किसी ने एक साड़ी पहन ली है। किसकी इतनी? दादा आप क्यों इतना परेशान होते? पिशमा है ना, संभाल लीजिए। हेलो, हाँ किशोर, हाँ भिजवा दिए हैं। देख, इससे पहले की बात बिगड़े और गिरीश को पता चले तो सब कुछ सच सच बता दे। हमी श्रुति बोल जी मालकिन, मैंने चोरी नहीं की। ये साड़ी मेरी माँ ने खरीदी है पैसे बचा के, वरना मैं इसे यहाँ पहन के क्यों आती? नहीं कि हमने चोरी। पिशमा, यू डोंट वरी, मैं इसके बाप की ऐसी खबर लूंगा। चुप करो विक्रम, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे? ये लड़की सच बोल रही है, चोरी नहीं की। अगर इसने चोरी की होती तो ये साड़ी वो यहाँ पहन के कभी नहीं आती। छोटी बहू, एक काम करो, मिल में फोन लगा के पूछो कि गलती से इस बार दो साड़ियां तो नहीं बन गई हैं इस तरह। तुम जा सकती हो लड़की।
मंदिर के सामने दीवार किसने लगाई? रघु कौन? हाँ डील बिल्कुल पक्की, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको माल बिल्कुल। किशोर बाबू मैं 5 मिनट में फोन करता हूँ। मंदिर के सामने दीवार किसने रख दी? रघु कौन? मैं वो। खैर छोड़ो, देखो देवी माँ के कुछ सिक्के यहां अंदर आके गिरे होंगे, उन्हें उठाकर मुझे दे दो। जल्दी आओ, तुम लोग ये सब सामान मंदिर के सामने लगाकर कहां चले गए? हट आउट से, देखो अंदर फंसा है कोई, मंदिर के सामने रखना जरूरी था क्या? हट आउट से, हटाओ इसे भी जल्दी हटाओ। सुनो सिंदूर, फिर तू कब से पूजा करने लग गया? मैं आपके लिए देवी माँ के सिक्के लेकर आया। अरे वाह, मुझे लगा था तू भूल जाएगा। अच्छा वो अंदर क्या हुआ? लड़की का पता चला जिसने चोरी की थी? अगर वो सारी वाकई गिरीश की चुनी हुई तो यहाँ अनर्थ हो जाए। बेशर्मा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, वो लड़की कोई भी हो तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं गिरीश, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी।
तुझे आपके कपड़े। कर्जा वर्जा लिए है का? अरे अजीब औरत यह है, ये साथ तो आपने लिए ना, पैसे जोड़ के लिए ना, वो तो कहते हैं कि ठीक कह रहे हैं वो लोग। ये साड़ी उन्हीं की है, तुम्हारी मां ने उनके पार्सल में से ये साड़ी निकाली। ताकि इस साड़ी की खूबसूरती के आगे हमारी चंद्रा की कमी छुप जाए। क्यों लतिका, अब क्यों अपनी बेटियों से नजरें नहीं मिला रहे? फिर लड़के वालों की हाँ सुनने के लिए कैसे आसानी से तुमने अपना स्वाभिमान खो दिया? हाँ, मैंने अपना स्वाभिमान खो दिया। अगर मेरा स्वाभिमान खोने से मेरे बच्चों का स्वाभिमान वापस आ सकता है तो मैंने खो दिया अपना स्वाभिमान। मत रोइए माँ, मत रोइए, मैं अभी जाके माफी मांगती हूँ। तो क्यों जाएगी माफी मांगने, सारी गलती मैंने की, मैं माफी मांगूंगी। नहीं, दाढ़ी का पार्सल पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी, मैं ही खुद जाऊंगा और मैं ही माफी मांगूंगी। नहीं, आप नहीं जाएंगे, गलती मेरी थी और मैं ही जाऊंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप दोनों को मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। आप दोनों को मेरी कसम। अश्विन, आप यहाँ, मैं आपके पास ही आ रही थी ये साड़ी देने के लिए। गलती हमारी है ना, मैं ये साड़ी लेने नहीं आई थी, दरअसल मंदिर जा रही थी, रास्ता यहीं से था, अचानक गाड़ी खराब हो गई। अभी ठीक है गाड़ी, लेकिन मालकिन ये साड़ी सचमुच आप ही। जचती है तुम पर, तुम रख लो इसे। तुमने सच बोला, सुनकर अच्छा लगा। वैसे नाम क्या बताया तुमने? प्रफुल्ल दत्त। तुम्हारे बाबा का नहीं, तुम्हारा नाम? आशिमा। आशिमा, पंडित जी
गिरीश के लिए लड़की मिल गई है, आशिमा। वो आपको मन रखने के लिए भी नहीं आएंगे पुष्मा। वेट करना बेकार है। अरे नवरात्रि चल रहे हैं, कम से कम त्योहार पे तो साथ खाना खा सकते हैं ना हम लोग। अच्छा चल, अब तू भी खाना खा ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? बैठ, चंद्रा भी ऐसे ही बोली कि उसे भूख नहीं है, पर पूरे दो कटोरी खीर खिलाकर आई हूँ मैं उसे। माशिमा, दी ठीक तो है ना अभी? नहीं, साड़ी की बात को लेकर थोड़ी सी परेशान है। काश मेरे पास और पैसे होते तो मैं दी के लिए बिल्कुल वैसी ही साड़ी ले आती। काश के साथ जुड़ी हुई कोई भी उम्मीद कभी पूरी नहीं होती आशिमा। मुझे ही देख लेना, अपनी शादी को बचाने के लिए कितनी बार बोला काश तेरे मौसाजी बदल जाए, पर नहीं, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। अगर दीदी और जीजाजी नहीं होते ना जाने मेरा क्या होता। क्या होता माशिमा? हमारा नुकसान हो जाता। आपके हाथ की खीर हमें नहीं मिलती ना। अरे अजय, क्या कर रहे हो तुम? मत दा, आप ही ने तो सिखाया कि जिस काम में खुशी मिले उसे तुरंत कर लेना चाहिए, और मुझे आपकी सेवा करने में बहुत सुकून मिलता है। दा, आपने इस मामूली नौकर के बेटे को पढ़ाया है, दिखाया है, काम दिया, अपने छोटे भाई जैसे समझा, तो ना मैं आपके लिए इतना समय नहीं कर सकता। प्लीज ना, एक मिनट। तो जब भी शहर जाता है ना कुछ नया लेकर ही आता है, लेकिन तू जानता तो है मुझे पुरानी चीजें पसंद है, देसी चीजें पसंद है। अच्छा छोड़, बैठ जा और बता किस लिए आया। ये एसके टेक्सटाइल कंपनी है तो इंडिया, लेकिन कपड़े बाहर एक्सपोर्ट करते। अगर दा इनके साथ हमारी डील हो गई तो हमें 50 करोड़ का फायदा होगा। तो देर किस बात की है, मीटिंग फिक्स कर। दा ये कॉन्ट्रैक्ट है, जरा ये पढ़ लीजिए। देखिए देखिए इतनी की इम्तिहान ले रहा है मेरा, तू जानता तो है कि मैंने बंगाली मीडियम से अपनी पढ़ाई पूरी की है। सॉरी दा, मैं बता दो उसमें क्या लिखा है। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुमने पढ़ा होगा। जी दा। देखो 50 करोड़ की रकम बहुत बड़ी रकम होती है, पार्टी किसी दूसरे के पास नहीं जानी चाहिए। और बहुत बोलने लगा है, लगता है तेरी बोलती बंद करनी पड़ेगी। आज पिशीमा से बात करूंगा तेरी शादी की। दा, पिशीमा से याद आया, पिशीमा नीचे 1 घंटे से आपका इंतजार कर रही है। वो कह रहे थे कि आपके साथ खाना खाएंगे। दा प्लीज आज उनका मन रख लीजिए। वो आपको मन रखने के लिए भी नहीं आएंगे पिशीमा। वेट करना बेकार है। अरे नवरात्रि चल रहे हैं, कम से कम त्योहार पे तो साथ खाना खा सकते हैं ना हम लोग। त्योहार के नाम से और आ चुकी गिरीश दादा। सोचा था आज गिरीश से उसकी शादी की बात कर लूंगी, पर ये लड़का भी ना। माँ, आपने मेरी पसंद के सारे पकवान बना दिए, लेकिन अपनी पसंद का एक भी पकवान नहीं बनवाया। इसलिए आपके लिए मैंने यह हलवा तैयार करवाया है। बस उसी में टाइम लग गया। आके बैठ इधर। आज मैं तुम सबको वैसे ही खाना खिलाऊंगी जैसे बचपन में खिलाती थी, एक ही थाली से। 56 प्रकार के भोजन बनाए मैंने तेरे लिए, समझा? 56 भोग तो नहीं, लेकिन रबड़ी और मालपुए से भी कम नहीं। है
को इस तरह साथ खाते देखकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। पुराने दिन याद आ गए, परसों पहले जब हम गरीब थे ना, हम लोग एक दूसरे के कितने करीब थे, भले ही एक वक्त का खाना खाते थे हम लोग, और इसी तरह मिल बांट के एक ही थाली में खुशी खुशी खाते। तो क्या हुआ खुशी? सबको इस बात की तसल्ली तो है कि सब भर पेट खाना खाए। मैं जानता हूं ऋषि मां की आपको मुझसे कई शिकायतें हैं, लेकिन सच कहूं तो मैं नहीं चाहता कि पुराने दिन लौटे, इसलिए मैं कभी अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अजय, एसके टेक्सटाइल से कोई फोन आया? हाँ, मैंने उन्हें बोल दिया कि आप खाना खाने के बाद फोन कर लें। मुझे फोन गिरीश खाना तो खा के तू तो खा लेना। मेरा हो दादा, मैं भी आता हूँ आपके साथ। नहीं, तुम रहने दो, अजय है वो संभाल लेगा, तुम जाकर मिल देखो। दादा, उन अनपढ़ों को तो कोई भी संभाल लेगा, मेरे जैसे पढ़ा लिखा उनमें फिट नहीं होगा। मैंने एक लड़की देखी है तेरे लिए, तेरी शादी के लिए, बहुत अच्छी लड़की है वो, तो एक बार देख ले उसे, उससे मिल ले। पंडित जी तो कह रहे थे कि बिल्कुल तेरी उसकी जोड़ी एकदम शिव पार्वती की जोड़ी जैसी, सब जल्दी से शादी कर ले। मैं शादी नहीं कर सकता,